वेल हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस धूम 4, तो आपको बता दूं कि धूम 2, धूम 3 तीनों ही ने बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचा दी थी। तीनों ही मूवी काफ़ी शानदार थी। तो अभी इनके मेकर्स धूम 4 लाने की पूरी प्लान में है। तो गाइस उस मूवी से रिलेटेड जहाँ तक बात हो रही है, तो धूम 4 काफ़ी आउटस्टैंडिंग इन तीनों ही पार्ट से बहुत ज़्यादा हाई लेवल की मूवी आने जा रही है। तो इस मूवी के धीरे धीरे एक्टर एंड एक्ट्रेस अनाउंसमेंट हो रहे हैं, और अभी तो डायरेक्टर भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जी हाँ गाइस, पहले बताया जा रहा था कि इस मूवी को अयान मुखर्जी या फिर आदित्य चोपड़ा सर इस मूवी को डायरेक्ट करते हुए नज़र आने वाले हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अभी इस मूवी को अयान मुखर्जी डायरेक्ट करते हुए नज़र नहीं आएंगे। अभी इस मूवी को नए डायरेक्टर मिल चुके हैं। जी हाँ गाइस, नए डायरेक्टर की जहाँ तक बात हो रही है, तो मैं उनका नाम बता देना चाहता हूँ। विजय कृष्ण आचार्य सर इस मूवी को डायरेक्ट करते हुए हमको नज़र आने वाले हैं। जी हाँ गाइस, ना ही अपने इस बार अयान मुखर्जी और ना ही आदित्य चोपड़ा इस मूवी को डायरेक्ट करते हुए नज़र नहीं आने वाले हैं। नए डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य सर हमको इस मूवी को डायरेक्शन देते हुए नज़र आएंगे। और गाइस यह अपडेट सामने निकल के आएगी, इस मूवी के अंदर रणवीर कपूर सर हमको नज़र आने वाले हैं, लेकिन ये अभी भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि ऐसा अंदर की रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि जो धूम 4 के अंदर रणवीर कपूर की जो अपडेट आई है ना, वो सारी की सारी फेंक है। लेकिन जैसे जैसे कंप्लीट होती है इसकी न्यू अपडेट की जो भी अनाउंसमेंट, तो आपका भाई आपके सामने ज़रूर लेके आएगा। लेकिन हाँ, डायरेक्टर तो कन्फर्म हो चुका है कि विजय आचार्य सर हमको इस मूवी के अंदर अपना डायरेक्शन देते हुए नज़र आएंगे। और आपको बता दूं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट से भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग और हाई लेवल की मूवी आने जा रही है धूम 4। तो गाइस इस मूवी को रिलीज़ होने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगने वाला है। तो चलते चलते टेक केयर।